Okay, students, so today we are going to start with the topic that is oogenesis. Oogenesis is the formation and maturation of ovum. Ovum ki formation hona and uski maturation hona, this is known as oogenesis. Oogenesis kahan pe hoti hai? It takes place in Graafian follicles. Graafian follicles ke andar oogenesis hoti hai. Oogenesis is initiated in the embryonic stage when millions of egg mother cells are formed within the ovary. Oogenesis, जब एक लड़की पैदा हो रही है अपने मदर के पेट में है तब ही oogenesis शुरू हो जाती है और ओवरी के अंदर हमारे एग मदर सेल्स जो है मेगास्पोर मदर सेल है जो ओवा मदर सेल है जो वो बनके तैयार हो जाते हैं और बर्थ के बाद हमारे कोई भी न्यू ओगोनिया फॉर्म नहीं होते हैं. ओगोनिया क्या होता है? डिप्लॉयड सेल्स होती हैं. दे आर द मदर सेल्स. मदर सेल्स हमें पता है हमेशा मियोसिस करने के बाद क्या फॉर्म करते हैं? गैमेट्स फॉर्म करते हैं. एक लड़की जब अपनी एम्ब्रियोनल स्टेज में है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि टेस्टिस की डेवलपमेंट एम्ब्रियोनल स्टेज में शुरू हो जाती है. टेस्टिस की डेवलपमेंट जो होती है वो इनसाइड द एब्डोमेन होती है, लेकिन बाद में रहती कहाँ पे है? वो आउटसाइड द एब्डोमेन रहती है. वैसे ही इनसाइड द मदर्स यूटरस एक लड़की के अंदर ओगोनिया फॉर्म हो जाते हैं. जितनी उसने एग बनानी है उतने ओगोनिया फॉर्म हो जाते हैं. ओगोनिया मल्टीप्लाई करके प्राइमरी ओसाइट बनाते हैं. प्राइमरी ओसाइट जो है प्रोफेज वन पे अरेस्ट हो जाते हैं जाके. सेल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा मियोसिस की, मियोसिस वन होती है, मियोसिस टू होती है. मियोसिस वन के प्रोफेज वन पे जाके अरेस्ट हो जाते हैं. डिप्लॉयड सेल्स ही रहते हैं. ओगोनिया क्या करते हैं? प्राइमरी ओसाइट्स में डिवाइड हो जाते हैं. प्राइमरी ओसाइट्स है वो प्रोफेज वन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोफेज वन ऑफ द मियोसिस वन वहां पे जाके अरेस्ट हो जाते हैं. फर्दर डिवेलपमेंट कहाँ पे होती है? बाद में होती है. अब देखो, ईच प्राइमरी ओसाइट्स गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स टू फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल. अब जो भी हमारे प्राइमरी ओसाइट्स हैं वो ग्रैनुलोसा सेल्स बना लेते हैं और प्राइमरी फॉलिकल है जो वो बना के अपने अराउंड बना के रख लेते हैं. ईच प्राइमरी ओसाइट, जो ओगोनिया है मदर सेल है वो डिवाइड करके क्या बना रही है? प्राइमरी ओसाइट. और प्राइमरी ओसाइट प्रोफेज वन पे अरेस्ट हो रही है. प्राइमरी ओसाइट के बाहर एक लेयर आ रही है सेल्स की जिसको हम प्राइमरी जो ग्रैनुलोसा लेयर आने के बाद हम उसको प्राइमरी ओसाइट को प्राइमरी फॉलिकल बोलना शुरू कर देते हैं. मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी. देयरफॉर एट प्यूबर्टी जितने भी ओगोनिया बने थे प्राइमरी फॉलिकल्स बने थे. प्राइमरी फॉलिकल्स से प्यूबर्टी तक, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं. हमारी प्यूबर्टी में कितने रह जाते हैं ये नंबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. पहले कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट था? मियोसिस वन के प्रोफेज वन पे क्या अरेस्ट हो जाता है? दैट इज प्राइमरी ओसाइट जो अरेस्ट हो जाता है. प्राइमरी ओसाइट के बाहर ग्रैनुलोसा लेयर लगने के बाद हमारा जो प्राइमरी फॉलिकल बनता है, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं. कितने बचते हैं? इनका नंबर इंपॉर्टेंट. एक ओवरी में 60,000 से 80,000, दोनों ओवरीज में कितने हो गए? 120,000 से 160,000 तक. एक ओवरी में कितने? 60,000 से 80,000. अब इसकी डेवलपमेंट आप देख सकते हो. इसकी डेवलपमेंट में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म होता है, देन सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म होता है, देन टर्शरी फॉलिकल फॉर्म होता है, एंड देन ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होता है. ये सब क्या होता है ये हम देखेंगे. प्राइमरी जो फॉलिकल है वो तो ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर आने के बाद हो जाता है. प्राइमरी फॉलिकल
निकल के बाहर और भी ज्यादा ग्रैनुअल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऊसाइट्स। अंदर वाले जो सेल्स हैं दे आर द ग्रैनुलोसा सेल्स, बाहर सेल्स को हम थीका सेल्स बोल देते हैं। अब ओवरी के अंदर टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, एक कैविटी डिवेलप हो जाती है और उसमें फ्लूइड फिल होना शुरू हो जाता है। थीका लेयर फॉर्म्स इनर थीका एंड इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका इंटरना। अब ये जो थीका वाली लेयर है टर्शरी फॉलिकल में वो क्या हो जाती है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इंटरना एंड एक्सटर्ना में। ओके, एंड एक एंट्रम है, एंट्रम कहाँ पे आना शुरू होता है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर। एंड मैच्योर फॉलिकल का नाम क्या है, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो एंट्रम है वो फुली डिवेलप हो जाता है, इंटरना एंड एक्सटर्ना फुली डिवेलप हो जाते हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स अपने एक डिस्टिंक्ट लेयर ले लेते हैं, देन कोरोना रेडिएटा सेल्स होते हैं एंड जो ओवा होती है उसकी पोजीशन भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ग्राफियन फॉलिकल से पहले क्या बनता है, टर्शरी फॉलिकल। जो प्राइमरी ऊसाइट होता है टर्शरी फॉलिकल का वो अनइक्वल मियोटिक डिवीजन करता है, उसमें लार्ज सेकेंडरी ऊसाइट बनता है एंड एक फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी बन जाती है। पोलर बॉडी क्या कर जाती है, डीजनरेट हो जाती है। मियोसिस में हमें पता है एक सेल जब मियोसिस करता है तो चार सेल्स बनाता है। फर्स्ट सेल तो हमारा ये निकल गया पोलर बॉडी, वो डिफरेंट हो गया, फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होगी। अब सेकेंडरी ऊसाइट रिटेन्स द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी ऊसाइट। अब ये प्राइमरी ऊसाइट डिवाइड करके सेकेंडरी ऊसाइट बना रहा है, सेकेंडरी ऊसाइट में क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया बहुत सारा। अब फर्स्ट पोलर बॉडी के बारे में अभी रिसर्च चल रही है कि वो मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो ठीक है फर्स्ट पोलर बॉडी रहती है या नहीं रहती, इट इज नॉट अवर, क्योंकि जो बेसिकली सेकेंडरी ऊसाइट ही होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। Then the tertiary follicle further changes into the mature follicle, that is the graafian follicles. ठीक है, tertiary follicle ने divide करके पहले क्या बनाया, secondary oocyte. Secondary oocyte में cytoplasm rich हो गया, अब secondary tertiary follicle है graafian follicle बना रहा है। Secondary oocyte के बाहर एक new membrane आ गई, zona pellucida. Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte from the ovary. This is called ovulation. अब देखो ये graafian follicle है हमारे पास सारा और zona pellucida जब tertiary follicle graafian follicle में convert हो जाता है, zona pellucida नाम की layer आ जाती है उसमें और हर month ovum release होती है हर ovary से, एक ovary से, एक ovary दो months के बाद release करती है and simultaneously हर month एक ovary release करती है ओवा एंड दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल के सेंटर में से ओवम का रिलीज होना इज नोन एज ओव्यूलेशन। नाउ अब इसका हम फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं। ऊगोनिया, ऊगोनिया डिप्लॉयड होता है, वो क्या करते हैं माइटोसिस करने के बाद प्राइमरी ऊसाइट बनाता है। प्राइमरी ऊसाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है क्योंकि वो अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज वन में, अरेस्ट हो जाता है इसलिए वो डिप्लॉयड ही होता है। देन वो साइज में ग्रो करता है और अभी भी वो क्या है, डिप्लॉयड है। अब किस क्या कर ली उसने, मियोसिस वन करके सेकेंडरी ऊसाइट एंड फर्स्ट पॉलर बॉडी बना ली, जो हमें नहीं पता कि डिजनरेट हो रही है या नहीं हो रही, बट इतना पता है कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है हमारी पॉलर बॉडी। उसके बाद मियोसिस वन के बाद मियोसिस टू हो जाती है, मियोसिस टू के बाद जो है, मियोसिस टू है जो वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ओवम रिलीज करती है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहां सेकेंडरी ऊसाइट बन गया दैट इज हैप्लॉइड, फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई दैट इज ऑल्सो हैप्लॉइड, हर मंथ जो ओवम रिलीज होती है वो इस स्टेज पे रिलीज होती है, हर मंथ हमारी 14th डे पे ओवा
जो रिलीज होती है वो यहाँ पे रिलीज होती है एंड फेलोपियन ट्यूब्स में वो वेट करती है. अगर फर्टिलाइजेशन हो गई फिर वो मियोसिस टू अंडरगो करती है, नहीं तो वो ऐसे ही बॉडी से बाहर निकल जाती है. इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले. अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम इन डिटेल. ओवम का दूसरा नाम क्या है? एग. एग इज अ स्फेरिकल नॉन मोटाइल एंड स्पर्म से काफी ज्यादा बड़ी होती है. ठीक है, 0.2 मिलीमीटर. हमारा जो स्पर्म था दैट वाज 0.06 समथिंग मिलीमीटर इन डायमीटर इन लेंथ. बेसिकली स्पर्म बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू ओवम. ओवम के पास अब थ्री मेम्ब्रेन्स है. फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको ऊलेमा बोलते हैं. ऊलेमा इज द नेम ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम. देन कम्स द जोना पेलुसिडा दैट इज आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है जोना पेलुसिडा आती है. एंड देन कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटा फॉलिकल सेल्स की ही बनी होती है. दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव लेयर. फर्टिलाइजेशन के टाइम स्पर्म को ये सारी लेयर्स क्रॉस करके फिर उसके पास पहुंचना पड़ता है और उसके बाद उसकी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाती है. नाउ हम स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस में डिफरेंसेस को पढ़ने वाले हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस हमें पता है अकर्स इन टेस्टिस. ओजेनेसिस अकर्स इन ओवरी. स्पर्मेटोजेनेसिस का ग्रोथ फेज लिमिटेड होता है. ओजेनेसिस का ग्रोथ फेज बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है. ईच प्राइमरी ओसाइट्स गिव राइज टू ओनली वन ओवम. एक प्राइमरी ओसाइट एक ओवम बनाती है क्योंकि बाकी क्या बनते हैं? पोलर बॉडीज. पोलर बॉडीज क्या कर जाते हैं? वो गायब हो जाते हैं, डिजेनरेट होते हैं. यानी हमें नहीं पता लेकिन रिप्रोडक्शन में उसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता. पर स्पर्म्स के केस में क्या होता है? एक सेल जो होता है, एक स्पर्म मदर सेल, वो चार स्पर्म्स को पैदा करता है. देयर इज नो पोलर बॉडी फॉर्मेशन बट इन केस ऑफ ओजेनेसिस पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड. स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे एंड होती है एंड सेनिलिटी एक्सटेंड्स अप टू सेनिलिटी. मतलब सारी जिंदगी चलती रहती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कभी नहीं रुकती है. बट इन द केस ऑफ ओजेनेसिस शुरू होती है मेनार्क पे एंड पॉज हो जाती है मेनोपॉज पे. ठीक है, एट द एज अराउंड 50, मोर देन 50 हो सकती है, लेस देन 50 हो सकती है. इट मे डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. क्योंकि हमारे पास सिर्फ 60,000 से 80,000 सेल्स रह जाती है और हर मंथ एक ओवरी रिलीज होती, एक ओवा रिलीज होती रहती है. थस जो हमारी ओवम ओजेनेसिस है बेसिकली वो एक स्टेज तक रहती है. एक स्टेज के बाद द विमेन इज अनेबल टू फॉर्म द ओवा. नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बहुत ज्यादा मिथ्स हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हैं, ये हमें क्लियर करनी पड़ेगी. Menstrual cycle. It is the cyclic events starting from one menstruation till the next reproductive period of a woman's life. Menstruation क्या होता है? Basically 28 days का एक cycle होता है. First menstruation से लेके मतलब कि जिस दिन आपको period शुरू हो रहे हैं, first menstruation, first day of the menstruation से next first day of the menstruation तक एक month का cycle होता है. इसको क्या कहते हैं? Cyclic event बोलते हैं. और ये प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक ही होता है. प्यूबर्टी से पहले भी नहीं होता और मेनोपॉज के बाद भी नहीं होता है. नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्टिव साइकिल? रिप्रोडक्टिव साइकिल इज यूजुअली 28 और 29 डेज. इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो सीन इन अदर प्राइमेट्स. अदर प्राइमेट्स मतलब मंकीज, गोरिलाज, चिंपैंजीज में भी देखने को मिलता है menstrual cycle primates. Menstrual cycle is the reproductive cycle or changes in the reproductive cycle they are occurring. Ovarian cycle and uterine cycle. इसमें दो parts आते हैं हमारे. The first one is the ovarian cycle and next one is the uterine cycle. ओवेरियन साइकिल में चेंजेस इन द ओवरी, ओवरी में चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड यूटेरस में चेंजेस देखने को मिलते हैं. नाउ
ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डेज हैं ये याद रखने आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू आर एबल टू रिमेम्बर इट, लर्न इट प्रॉपरली. आपको चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से दिन में क्या चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, तो बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज. बेसिकली जो फर्स्ट डे से लेके फिफ्थ डे तक होता है दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है, फॉलिकुलर फेज मतलब प्रोलिफरेट फेज. इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो ग्रेफियन फॉलिकल है वो मैच्योर हो रही होती है. ओविलेटरी फेज इज जिस फेज में ओवम रिलीज होती है. सिक्रीटरी फेज और ल्यूटियल फेज इज द फेज आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम. 14th डे जो होती है, अगर देखो आपको आपको अगर वगर नहीं देखना है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हम सबको पता है. बट अभी आप 12th के स्टूडेंट्स हो, ये सब जो चीजें होती है ना ये तो आती भी गायनेकोलॉजिस्ट को है आफ्टर MBBS. when you prepare for your MS ना, जब आप MS करते हो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हो या बन रहे हो, तब आपको डिटेल में इसके बारे में नॉलेज दी जाएगी कि अगर किसी पर्सन का साइकिल वेरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो उसकी उसकी ओवोल्यूशन कौन से डे पे हो रही है, कैसे पीरियड्स वेरी कर रहे हैं, है ना, कौन से हार्मोन्स वेरी कर रहे हैं. दीज आर द थिंग्स. ठीक है, बेसिकली यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. आपको 28 डेज के साइकिल के अकॉर्डिंग ही चलना है. उसमें फर्स्ट से लेके फिफ्थ डे तक हमारा मेंस्ट्रुअल फेज चलता है. देन इज फिफ्थ टू 13th डे जो होता है वो फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज होता है, जिसमें हमारे ग्रेफियन फॉलिकल्स जो हैं वो मैच्योर अप हो रहे हैं. ओव्यूलेशन इज ऑलवेज अकरिंग ऑन द 14th डे. एंड आफ्टर 14 डेज देयर इज सेक्रेटरी फेज. अगेन सेक्रेटरी फेज को क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज बोलते हैं. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है. अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है. मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स विद मेंस्ट्रुअल फ्लो. मेंस्ट्रुअल फ्लो इज बेसिकली फ्लो ऑफ ब्लड अलॉन्ग विद द साइटोप्लाज्म. Flow of blood along with ovum and cytoplasm of the uterine cells. ठीक है, basically हमारे दो चीजें release हो रही होती है menstrual phase में. ये मैंने आपको कोई technical definition नहीं करवाई थी, इसको ऐसे ऐसे technical theoretical paper में नहीं लिखना है, मैंने जैसे आपको समझाने के लिए लिखा था. What is this? This is कि हमारी जो uterine layer है ना वो भी क्या है, वो टूट रही है. एंड जो ovum है वो भी हमारी body से बाहर निकल रही है. menstrual cycle है जो 3 से 5 दिन तक last करता है. ठीक है, 3 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट आल्सो. मेंस्ट्रुएशन अकर्स इफ रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड. फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तभी पीरियड्स होते हैं. अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी. मेंस्ट्रुएशन विल नॉट अकर बिकॉज ओवम क्या है, वो फर्टिलाइज हो गई है. यूटेराइन वॉल क्यों टूट रही है. देखो बच्चों, 28 डेज में ना हमारी यूटेरस खुद को स्ट्रॉन्ग करिए ताकि वो एम्ब्रियो को कैरी कर सके. अगर प्रेगनेंसी ही नहीं हुई तो उसके स्ट्रॉन्ग बनने का क्या फायदा. इसलिए यूटेराइन की जो लेयर है वो टूट जाती है और वो बाहर आ जाती है हमारी बॉडी से. बट अगर हमारी प्रेगनेंसी हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो यूटेरस को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. इसलिए पीरियड्स नहीं होते हैं, क्योंकि यूटेराइन जो वॉल स्ट्रॉन्ग हो रही थी, अब प्रेगनेंसी के बाद उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि वो एम्ब्रियो को कैरी कर सके. ठीक है, थस मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड. इट रिजल्ट्स इन ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड यूटेराइन ब्लड वेसल्स दैट कम थ्रू द वजाइना. मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एक्सोमेट्रियम, हमने ये सब पढ़ा था. तो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वही टूटती है. अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई है तो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं, बट इट मे आल्सो अकर ड्यू टू स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एंड पुअर हाइजीन आल्सो. ठीक है, पुअर हेल्थ इज रिलेटेड टू द पुअर हाइजीन. अब फिफ्थ टू 13th डे में क्या होता है. फिफ्थ डे में हमारा क्या, कौन सा पीरियड शुरू हो जाता है, फॉलिकुलर फेज, और 8 से 12 दिन तक चलता है. इसमें
हमारे FSH एंड LH गोनेडोट्रोपिन्स जो है फीमेल के हॉर्मोन्स है वो काम कर रही हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करता है? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन हमारे फॉलिक्यूल्स को स्टिमुलेट करते हैं टू ग्रो एंड टू प्रोलिफरेट। ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन जो है वो ओवुलेशन को इनहांस करता है, ठीक है। डिवेलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इनटू ग्रेफियन फॉलिकल्स एंड एस्ट्रोजन्स बाय द ग्रेफियन फॉलिकल्स सो दैट बॉडी की डिवेलपमेंट, फीमेल की बॉडी की डिवेलपमेंट हो, ठीक है। एस्ट्रोजन से क्या होता है? प्रोलिफरेशन ऑफ द रप्चर्ड यूटेरिन एंडोमेट्रियम एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ द ओविडक्ट एंड वजाइना। पीरियड्स में जो मेंस्ट्रुएशन में बेसिकली जो यूटेराइन की लेयर टूट चुकी है उसको दोबारा हील करने में एस्ट्रोजन हेल्प करता है। एस्ट्रोजन सेक्रेट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। डिवेलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर मींस एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड हिप रीजन। वो क्या है? वो गर्ल्स में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से होता है। FSH जब ज्यादा हो जाता है तो उसको भी कम करने का एस्ट्रोजन का ही काम है। एंड ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन जो है वो भी एस्ट्रोजन ही सिक्रीट करता है। LH सर्ज क्या होता है? LH सर्ज इज द जब यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाता है एंड वो ओव्यूलेशन करता है। ओव्यूलेशन कब होती है? 14th डे में होती है। ये देखो, ये हमारा जो है ग्रेफियन फॉलिकल्स जो डिवेलप हो रहे हैं, डिवेलप होने के बाद अल्टीमेटली जो ओवम है वो क्या हो गई? वो बाहर निकल गई बॉडी से। कौन से दिन पे? 14th डे पे। LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल एंड उसको हम क्या बोलते हैं? LH सर्ज, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? ओव्यूलेशन हो जाती है। अब जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो 14th डे पे तो ग्रेफियन फॉलिकल जो था हमारा वो दोबारा से क्या हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टिरोन से क्रिएट करता है। आपको चीजें समझ आ रही हैं कैसे चल रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड ने FSH एंड LH सेक्रेट किया। FSH ने किसको सेक्रेट किया? ओवरीज को सेक्रेट किया। ओवरीज ने एस्ट्रोजन को सेक्रेट किया। एस्ट्रोजन ने फर्दर हमारी जो ओव्यूलेशन वाले हॉर्मोन्स हैं उनको सेक्रेट किया ताकि हमारी ओव्यूलेशन हो जाए। अब ओव्यूलेशन जब हो चुकी है तो ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये कॉर्पस ल्यूटम में बन गया, ठीक है। और फिर क्या कर जाएगा? वो डीजनरेट कर जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने के बाद। अब ल्यूटियल फेज क्या है? ल्यूटियल फेज क्या है कि 14 से लेकर 28 डे तक हमारा जो यूटेरस लाइनिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने की कोशिश करती है, मैक्सिमम वेस्कुलर थिक एंड सॉफ्ट, ताकि वो इम्प्लांटेशन के लिए, बच्चे के पैदा होने के लिए रेडी हो सके। और FSH की सिक्रीशन है जो फर्दर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है। FSH की सिक्रीशन कम हो जाती है इसीलिए ही हमारे मेंस्ट्रुएशन आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा चलता रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? डीजनरेट कर जाता है। और फिर से अगर कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा तो उससे हमारी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग 28 डेज में स्ट्रांग हुई थी वो दोबारा से क्या हो जाएगी? वो दोबारा से टूट जाएगी। अगर वो टूटेगी तो दोबारा से क्या आ जाएंगे? हमें मेंस्ट्रुएशन हमारी जो है वो शुरू हो जाएगी। If fertilization does not occur, corpus luteum degenerate. It causes disintegration of endometrium. It leads to next menstruation and new cycle. ऐसे ही करके हमारा जो साइकिल है वो दोबारा रिपीट होता है। During pregnancy, all events of menstrual cycle stop and there is no menstruation. कुछ भी नहीं होता है उसमें। क्या होता है? पीरियड्स में एक डिफरेंट, प्रेगनेंसी में एक डिफरेंट ही चीज चलती है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवरऑल चेंजेस को देख लेते हैं जो भी हमारी बॉडी में होते हैं।